तेरे जान दे सकता हूं, तू दे सकता है तो आ। इंतजार और तू दोनों खत्म हो गए। क्या कहा सुनील ने बॉयकॉट कल्चर पर? क्या सुनील तैयार है अपनी अगली फिल्म के लिए? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, सुनील शेट्टी ने मशहूर हस्तियों और फिल्मों के बॉयकॉट को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड पर अपनी बात रखी है। एक्टर ने कहा कि हाल ही में रिलीज हुई कुछ फिल्मों पर बॉयकॉट कल्चर का असर पड़ा है, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। वे एक इवेंट में थे जब उनसे ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बॉयकॉट ट्रेंड का सामना करने वाली फिल्मों के बारे में पूछा गया। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड फिल्में और सितारों के बॉयकॉट के बढ़ते चलन के बीच सुनील ने ये बात कही है। आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन को बॉयकॉट का सामना करना पड़ा, जहां आमिर की फिल्म ने 5 दिनों में लगभग 45 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं अक्षय कुमार की फिल्म ने लगभग 37 करोड़ रुपए 1 सप्ताह में कमाए थे। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों 11 अगस्त को रिलीज हुई थी। सुनील शेट्टी ने ANI से कहा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया, हालांकि लगता है कि लोग इन दिनों फिल्मों के विषयों से खुश नहीं है, इसलिए हम इतने कठिन समय से गुजर रहे, उम्मीद है कि इस पर विचार किया जाएगा। शुरू में सिर्फ एक बार की घटना लगी, लेकिन अब हम ये लगातार देख रहे कि लोग सिनेमा घरों में नहीं आ रहे। मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने कहा कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म को लोगों के ध्यान में लाने के लिए ट्रोलर्स को पैसे दिए गए थे। आपको बता दें कि अब सुनील अपनी अगली फिल्म के साथ यानी कि बलवान 2 के साथ एंट्री करने वाले हैं। इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है, ये फिल्म इस साल के अंत तक फ्लोर पर आ जाएगी। अब इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके साथ ही आपके लिए खास चीज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए।